बैठी हमारी संगत सारे आइए समा चुके हैं अपनी ससुराल में गोपालपुरा गांव। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। और आज का दिन सभी के लिए अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बेकार है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने गाँव वृंदावन छोड़कर। अब कभी नहीं आऊंगी मैं वृंदावन में, क्योंकि मैं रहती हूँ, मैं ब्लॉग वगैरह बनाती रहती थी, आप लोग देखते होते हैं नहीं, इसीलिए मैं अब नहीं आऊंगी कभी। मैं छोड़ के जा रही हूँ, देखो मेरे हस्बैंड आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई हूँ, तो मैं जा रही हूँ, अब कभी नहीं आऊंगी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में। लेके चलते हैं तो मैं अपने ससुराल, अब वहीं बनाया करेंगे हम ब्लॉग। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ प्रेम मंदिर के पास, देख सकते हैं आप लोग, ये प्रेम मंदिर है। तो चलिए दोस्तों, हम चल दिए हैं छठीखरा चौराहे पर, क्योंकि हमको छठीखरा चौराहे से ही बस मिलती है, और मिलते हैं आप लोगों से छठीखरा चौराहे पर। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ अभी छठीखरा, छठीखरा से बैठूंगी मैं आगरा के लिए, मतलब छठीखरा से पहले गोवर्धन चौराहे बैठूंगी, फिर आगरा के लिए बैठूंगी। लिखा है ना, मेरो वृंदावन, अब नहीं आऊंगा मैं वृंदावन। वैसे तो यहाँ से मिल जाए सामने से, लेकिन पुल की वजह से, ऊपर देख रहे हैं ना आप लोग, पुल पे गाड़ी चल रही है, पुल की वजह से जो वृंदावन आती है वही गाड़ी नीचे रुकती है, वरना ऊपर पुल पे निकल जाती है, फिर पुल इधर से सामने जाके बहुत दूर है इधर, इस वजह से पहले गोवर्धन चौराहा बैठना पड़ता है, फिर आगरा के लिए बैठते हैं। तो दोस्तों, हमको बस की जगह वैन मिल गई है, तो हम वैन में बैठ गए हैं। बस बहुत देर में जाती, तब तक क्या, वैसे भी मैं बोर हो जाती हूँ बस में, मुझे पलटी वगैरह होती है, इसीलिए हम लोग वैन में बैठ गए हैं और आ चुके हैं यहाँ पे। CNG बोलते कोई डरेगी गाड़ी में, इसीलिए बोल रहे भैया उतर जाओ उसके बाद बैठना। गैस डर रही है गाड़ी में, जो बैठी है हमारी संग उतर आइए। पर 43 किलोमीटर दूर है भाई यहाँ से आगरा, 43 आगरा ही जा रहा है। देखो जी, डर रही है ना गैस, डर जाएगी, फिर हम जाएंगे अपनी आगरा के लिए। और दोस्तों, हम आ चुके हैं आगरा में, आगरा घुसते ही पता चल जाता है ये आगरा, क्योंकि एकदम हरा भरा सा लगने लगता है, पेड़ पौधे एकदम हरियाली हरियाली सी मिलने लगती है। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये चौराहे पर मैं यहाँ पे आ गई, उधर की साइड में ताजमहल को जाती है डेढ़ हाथ पे, और हम सीधे हाथ पर सीधे जा रहे हैं लाल किला के लिए। देख रहे हैं आप, है ना, ये लाल किला है, कितना प्यारा लग रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारे पतिदेव कॉमेडी करते हुए जा रहे हैं, इनको पता नहीं थी मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी। और हाँ, एक बात और आप लोगों से पूछनी है, कौन कौन आगरा से है कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। फिलहाल मैं अपने गांव जा रही हूँ अभी ससुराल में, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, ये मुस्कुराहट आप चेहरे पर देख रहे हो, ये झूठी मूठी की है, बस ऐसी, अच्छा नहीं लग रहा है, गाँव जा रही हूँ, बहुत बुरा लग रहा है यार, मैंने कुछ सोचा था कुछ होगा। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी ससुराल में, ये सामने आप लोग देख रहे होंगे पूजा पब्लिक स्कूल है, यहाँ से उतर के ही हम इधर को जाते हैं, इधर हमारा गांव है गोपालपुरा गांव, गोपालपुरा की बहू हूँ मैं, देख लोग इतनी मक्कार हुई है, वीडियो बनाती हूँ, कहते हैं मेरे लोग जाके, मैं कह रहा हूँ। अरे यार, लाओ मैं बैग ले चलूँ, चलना रहा, गर्मी लग गई कह रहा रीति चल तू, यही बहुत है। अब मैं गांव में जाऊँगा ऐसी कैमरा था लगे, ठीक है, ऐसे लोग करके देखो भाई, वो आ रही है सुनील की बहू, मजाक करूंगा। मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे, और ब्लॉग का जो यही समाप्त करती हूँ, आई हूँ, थकी आ रही हूँ, रोटी वोटी खाऊंगी, बनाऊंगी भी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।